वेलकम फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 2.4 से। इसका क्वेश्चन नंबर कुछ पार्ट मैं आपको करके बता रहा हूँ कि इसमें हमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हमें जो है इसमें जो रूल अप्लाई होगा वो आपके पास बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा। बोर्ड मास हमारे पास होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सबट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई ब्रैकेट्स तो नहीं दिए हुए। अगर ब्रैकेट्स दिए हुए तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर वन पे ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट में हमारे पास दिया हुआ है 6 और 18, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 6 1 6 6 3 18, तो आपके पास जो बकिया तमाम वैल्यूज़ बचेंगी उनको हम एज़ उतार देंगे। हमारे पास 3 बचेगा, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 3, जेड की पावर 2 ओवर ए बी स्क्वायर सी 5। अच्छा, 1 भी बच रहा है, 1 लिखने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आगे सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद बाहर लिख देंगे हम होल क्यूब। इस होल क्यूब का मतलब यह है कि इस क्यूब को हमें सबके साथ लगाना है। ये क्यूब इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ है। तो यहाँ पे हमने पहले ये 3 लिखा और 3 की पावर 3 लगा दिया। उसके बाद एक्स की पावर पहले से दी हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3। उसके बाद वाई की पावर दी हुई है पहले से 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3। उसके बाद जेड की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर ए की पावर भी 3 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था होल क्यूब है तो होल सबके साथ है ये, तो इधर भी आ गया आपके पास। बी की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सी की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 9 3 27, 27 एक्स की पावर 4 3 12, वाई की 3 3 9, 2 3 6 ओवर ए की पावर 3, बी 2 3 6 और सी 5 3 15 आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3a² a³ b² c6 अपॉन xyz-5। अच्छा, इसमें पहले स्टेप में सिर्फ थोड़ी सी चेंज है, बाकी सेम टू सेम इसी क्वेश्चन जैसा है। इसका जो -5 है यानी कि नेगेटिव साइन के साथ पावर दी हुई है, इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने का रूल ये होगा कि हमारे पास जो भी अंदर डिजिट्स दिए होंगे वो रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि जो आपके पास नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, बाकी सेम काम रहेगा और ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हमने लिखा एक्स वाई जेड ऊपर लिख दिया और नीचे हमने लिख दिया 3a³ b² c6। अब जो इसकी पावर -5 थी वो चेंज हो जाएगी +5 के अंदर। इसके अंदर चेंज हो जाएगी पॉजिटिव के अंदर। जैसे हम जो है किसी वैल्यू की जगह चेंज करेंगे तो उसकी जो साइन होती है वो भी चेंज हो जाती है। साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव थी तो मैंने पॉजिटिव करने के लिए क्या करा, ऊपर नीचे वैल्यू को कर दिया, एक्स वाई जेड ऊपर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। उसके बाद सेम सिचुएशन, जो आपके पास बाहर 5 दिया हुआ है ये सबके साथ है क्योंकि कैंसिलेशन नहीं हो रही, 3 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स की पावर 5, वाई की पावर 5 और जेड की पावर 5 ओवर 3 की पावर 5, ए की पावर पहले से 3 दी हुई है मल्टीप्लाई बाय 5, बी की पावर पहले से 2 दी हुई है मल्टीप्लाई बाय 5 और सी की पावर दी हुई है 6 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं हो रही, तो एक्स की पावर 5, वाई की पावर 5 और जेड की पावर 5 एज़ इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को हमें 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 243 और ए 3 5 15, बी 2 5 10 और सी 6 5 30, फिर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। आखिरी पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम हमारे रिमेनिंग पार्ट जैसा ही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। पहले स्टेप में वही होगा, आपके पास 6 और 12 ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, कैंसिलेशन हो जाएगा क्योंकि बोर्ड मास का रूल अप्लाई, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे तो बोर्ड मास के अंदर सिर्फ ये कैंसिलेशन हो रहा है 6 1 6 6 2 12। उसके बाद हम लिख देंगे इसको 2 2 m 4, n की पावर 3, p की पावर 2 ओवर m की पावर 2, n की पावर 2 p और बाहर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब है कि ये होल स्क्वायर अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ है। इसके साथ भी लिख देंगे हम 2 के साथ भी स्क्वायर, m की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, n की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, p की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर m की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, n की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और p की पावर 2। उसके बाद जो है 2 की पावर 2 का मतलब है 2 2 4, m 4 2 8,
एन की पावर 3 to the 6 और 2 to the 4 ओवर एम की पावर 2 to the 4 एन की पावर 2 to the 4 और पी की पावर 2। इस स्टेप के बाद जो हमें अगला काम ये करना है, इसमें एक स्टेप और ऐड होगा। यहाँ पे जो है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर नीचे जो वैल्यूज दी हुई थी वो आपके पास अलग अलग थी, यानी कि ऊपर ए बी सी दिया हुआ था, नीचे एक्स वाई जेड दिया हुआ था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिस बिल्कुल सेम है ऊपर वाली की, तो यहाँ पे जो बेसिस हैं इनको हमें जो है रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि इनको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर में इनको हमें डिवाइड कर रहे हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सेम बेसिस है आपके पास। 4 एम की पावर 8 एन की पावर 6 पी की पावर 4। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड को चेंज करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो इनकी जो पावर्स हैं वो भी अपोजिट हो जाएंगी। पावर अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगी, यानी कि -4 उसके बाद एन की पावर -4 और पी की पावर -4। उसके बाद देखें इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, तो बेसिस सेम, पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट। 4 आपके पास एजिट आ जाएगा, m को हम एक बार लेंगे 8 -4 आ जाएगा। उसके बाद n की पावर 6 -4 और p की पावर 4 -2। उसके बाद 4 m 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, n 6 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 4 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।